कल्टीवेटर कर रहे हैं और ट्रैक्टर चल रहा है अभी मीडियम के दूसरे में और दोनों लीवर नीचे हैं। लाल लीवर थोड़ा नहीं ऊपर करा है क्योंकि टायर का स्लिपेज थोड़ा बढ़ गया था उसी के चलते। बाकी देख सकते हैं दोनों लीवर नीचे हैं। किसान साथियों 11 का कल्टीवेटर मैं इसी के लिए लाया था क्या कि गर्मी में तो एक बार अपन 9 के कल्टीवेटर से काम कर लेंगे, लेकिन बरसात में क्या होता है ट्रैक्टर पे इतना लोड नहीं पड़ता और जो 9 के कल्टीवेटर है उससे 2 फीट जगह ज़्यादा लेके जाता है 11 का कल्टीवेटर, तो उसी के चलते थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। और अभी जो प्रति घंटे का जो ज़मीन निकाल रहा है अपना ट्रैक्टर, ये 2 से 2.5 बीघा निकाल रहा है 1 घंटे में। तो और डीजल की जो खपत हो रही है वो 4 लीटर 4.5 से 5 के बीच में चल रही है आराम से। 50-52 HP का ट्रैक्टर है उस हिसाब से डीजल इतना ही लेगा व्यवस्थित। बाकी दोनों लीवर नीचे करके आराम से अपन ट्रैक्टर चला रहे हैं। अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्या चल रहा है। ये मीडियम का दूसरा 1300 से 1400 RPM पे चलाएंगे अपन ट्रैक्टर। बारिश हो चुकी है तो खेत सूख नहीं रहे इस बार। अपन वैसे हर बार पंजा करते हैं लेकिन फंगस आ सकता है, गीला बहुत है खेत, अच्छी तरह से सुखाने के लिए अपन इसको कल्टीवेटर कर रहे हैं ताकि व्यवस्थित सूख जाए। ट्रैक्टर में लोड बहुत पड़ रहा है, 11 टाइन का कल्टीवेटर है अपना और गेहूँ बोलने की तैयारी चल रही है अभी। और इस बार अपने को 4 से 5 वेराइटी लगानी है गेहूँ की, जो नई किस्म है और 2-3 वेराइटी पुरानी भी है। और मैं बताऊंगा आपको, वैसे तो गहराई अच्छी ले रहा है कल्टीवेटर। इस साइड 70 चलाया था और 70 चला के देखा मैंने, 3-4 फेरे मतलब पलटे चलाए पर कुछ खास असर नहीं दिख रहा था अपने को। तो क्या होता है जैसे अगर अपन व्यवस्थित अगर अच्छी गहराई से खेत जोतेंगे नहीं तो फंगस आने के चांस ज़्यादा आते हैं। और गेहूं में हर बार अपन देखते हैं पीलापन खत्म नहीं होता, तो उसी के कारण जो गेहूं में जो मिट्टी में जो फंगस रहता है वो मिट नहीं पाता। अगर उसको धूप मिल जाएगी तो खत्म हो जाएगा, अगर धूप नहीं मिली तो अंदर ही रहेगा फंगस, फिर वो गेहूँ को खत्म करेगा धीरे धीरे, उसके पोषक तत्व को खाएगा खत्म कर देगा और उत्पादन उतने का सबसे ज़्यादा फर्क उत्पादन को पड़ेगा इस फंगस की वजह से। इसलिए अपन कल्टीवेटर कर देंगे ताकि खेत पूरी तरह से सूख जाए। और फिलहाल ट्रैक्टर मीडियम दूसरे के चल रहा है, दोनों लीवर नीचे हैं, 1300 RPM 1400 RPM पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल तो। 11 टाइम का कल्टीवेटर है, थोड़ा सा लोड तो पड़ेगा, बाकी अच्छी जुताई चल रही है गहरी। पहले कल्टीवेटर कर रहे हैं, इसके बाद अपन को खड़ा जैसे अब इसको
इस साइड से करेंगे पंजा अगली बार 4 से 5 दिन के धूप के बाद, ताकि खेत में अच्छे से धूप मिल जाए और फंगस निकल जाए, थोड़ा खेत सूख जाएगा तो अपने लिए भी ठीक होगा और गेहूं के लिए भी। और अगर गेहूं का उत्पादन आपको ठीक चाहिए तो उसके पहले सबसे पहला जो कारण है गहरी जुताई है। अगर नहीं होगी गहरी जुताई तो आपके उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। तो जितना हो सके अच्छी गहराई दें खेत में, ताकि फसल जो भी हो, आपका चना हो, मटर हो और गेहूँ हो, फसल कोई सी भी हो, जितनी अच्छी गहराई होगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। फिलहाल अपन जो 3-4 वेराइटी लगाएंगे गेहूँ के, उनमें है एक तो अपना HI 1650 और MSCS का 67-68, GW 513, CG 1036 और पिछले साल का HI 1544 भी अपने पास, और लोकवन तेजस ब्रेडर, कम से कम 5 से 6 वेराइटी हो जाएगी अपने पास गेहूँ की। तो देखते हैं कैसा क्या उत्पादन देगी सारी। फिलहाल तो गोनी में अभी 7 से 8 दिन आराम से लगेंगे, जैसी परिस्थिति बनती है। अगर सूखे में बोएंगे तो भी ठीक, अगर गीले में बोएंगे तो 15 दिन आराम से लग जाएंगे, लेकिन सूखे में 8-9 दिन में गोनी अपन कर पाएंगे। फिलहाल तो इस खेत को अपन 3 दिन की धूप देंगे कल्टीवेटर के बाद और फिर पंजा करेंगे, ताकि खेत पूरा तरीके से सूख जाए। तो स्थिति अब कुछ ऐसी है। बारिश हुई और खेत से बाहर पानी हो गया, उसी के चलते पूरे खेत में सोयाबीन और चारा उग गया है, क्योंकि सोयाबीन अपन ने कटाई थी सितंबर में 19 तारीख को, तो 1 महीना हो चुका था सोयाबीन को कटवाए। और जो खेत में जोतने का समय अब दिया है पानी ने अपने को, अब थोड़ी धूप निकली है उसके बाद अपन खेत को व्यवस्थित कर सकेंगे। बड़ी दिक्कत आई इस बार सोयाबीन की हार्वेस्टिंग करने में, सोयाबीन की सारी हार्वेस्टिंग कर ली अपन ने और अब जाके फ्री हुए। और जैसे अगर कई बार लेट हो जाते हैं अपन सोयाबीन काटने में तो इस तरह से छटकती है, तो सोयाबीन आप देख सकते हैं कितनी छटकी हुई है, बहुत सारी सोयाबीन छटकी हुई है और वो सारी उग गई है पानी के कारण। तो बहुत सारी प्रॉब्लम का इस बार अपन को देखनी पड़ी हार्वेस्टिंग के वक्त, और अब गेहूँ बोने में भी अपने को बहुत सारी प्रॉब्लम आगे भी आएगी और अभी भी आ रही है। और जब तक खेत पूरी तरह से सूख ना जाते अपन बोनी नहीं कर सकते,